New Delhi is arriving on platform number 3. 12877 Garib Rath Express up Ranchi to New Delhi. स्वागत आपका मेरे एक और व्लॉग में दोस्तों. एक्चुअली आज मैं जा रहा हूँ न्यू दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस से. तो चलिए आप लोगों को दिखाएंगे पूरे ट्रेन जर्नी का व्यू आप लोगों को फ्रॉम बरकाकाना रेलवे जंक्शन से न्यू दिल्ली रेलवे जंक्शन तक. तो वीडियो को बने रहिएगा, वीदियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में बहुत मजा आने वाला दोस्तों. आप पूरी जर्नी की एक एक पल की आप लोगों को जानकारी दूंगा, पूरा आप लोगों को व्यू करवाऊंगा. तो दोस्तों बिना देरी गवाए हुए चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और एक लाइक करना मत भूलिएगा. तो दोस्तों व्लॉग को पूरा देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा. चलिए दोस्तों व्लॉग को करते हैं स्टार्ट और मिलते हैं हम बरकाकाना स्टेशन पे. तो हम पहुंच चुके हैं बरकाकाना जंक्शन और यहां से हम अपनी ट्रेन को पकड़ेंगे गरीब रथ एक्सप्रेस को, जो कि नई दिल्ली जाएगी वाया कानपुर और इलाहाबाद होते हुए. तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, आपको पूरे जर्नी का एक्सप्लोर कराएंगे. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को. 12877 न्यू NDLS गरीब रथ एक्सप्रेस जो कि 6:55 पर यहाँ से रवाना होगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से. मोडलाइज कर दिया गया है स्टेशन को और बिल्कुल पहचान में नहीं आता कि रियली ये वही बरकाकाना स्टेशन है और बहुत ही बढ़िया ढंग से इसको बना दिया गया है. यहाँ पे इसके सीढ़ियों पे भी यहाँ पे वॉल प्रिंटिंग की गई है क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है. और ये पूरे स्टेशन का व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा और बहुत ही अच्छा ये मॉडलाइज स्टेशन लग रहा है. देखिए यहाँ पे तो ये अब हम आ चुके हैं अभी बरकाकाना स्टेशन के अंदर में और आप ये स्टेशन का पूरा व्यू देख सकते हैं दोस्तों. काफ़ी बड़ा स्टेशन है और अच्छा बड़ा जंक्शन है, यहाँ से हर जगह के लिए ट्रेन मिलती है, इवन राजधानी भी चलती है यहाँ से न्यू दिल्ली के लिए. ये सामने में जबलपुर टू कोलकाता शक्तिपुंज एक्सप्रेस लगी हुई है जो कोलकाता की ओर जाएगी और बहुत ही बड़ा स्टेशन है, पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है स्टेशन. ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, वहाँ 2, 3, 4, 5 टोटल 5 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे. और अभी थोड़े देर में हमारी ट्रेन यहाँ पे आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे. ये ठीक सामने जो ट्रेन लगी हुई है यहीं पर हमारी ट्रेन लगेगी दोस्तों. तो तब तक के लिए बने रही वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक. चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. ये यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर संख्या 3 जहाँ हम लोग जाना है. ओवर ब्रिज के माध्यम से हम लोग जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और वहाँ से हमारी ट्रेन, हम ट्रेन को लेंगे यहाँ से गरीब रथ एक्सप्रेस 128/77 अप गरीब रथ एक्सप्रेस जो कि रांची से न्यू दिल्ली के लिए जाएगी. और हम यहाँ पे बरकाकाना से इसे रिसीव करेंगे. चलिए बने रहिए वीडियो में. हमारी ट्रेन अब आने वाली है और अपना कोच है G11 और बस ट्रेन का हम वेट करते हुए और ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, बस ट्रेन आएगी उसके बाद हम सीट लेंगे और चलते हैं. आप लोगों को अंदर से स्टेशन को थोड़ा दिखा देते हैं. आप देखिए बरकाकाना स्टेशन की कुछ झलकियाँ और काफ़ी अच्छा बड़ा स्टेशन है. पहले यहाँ पर केवल 3 प्लेटफॉर्म थे, अब यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म हो चुके हैं और भी कुछ प्लेटफॉर्म यहाँ पर बन रहे हैं. 12877 गरीब रथ एक्सप्रेस अप रांची टू न्यू दिल्ली. ये हम अभी अपने कोच में चढ़ चुके हैं, ये सीट ले ली है और बस थोड़े देर में ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होगी. आ जाओ.
आप टॉयलेट देख सकते हैं, यहाँ पे सामने में यहीं पे मिरर लगा हुआ है, ये हाथ धोने के लिए यहाँ बेसिन है, और ये बेसिक सा टॉयलेट, और यहाँ फैन एक लगा हुआ है साथ में, ठीक ठाक है, साफ सुथरा है और ट्रेन बढ़िया है। हमारी ट्रेन अभी नेक्स्ट स्टॉप स्टोरी पे आकर रुकी हुई है, इसके बाद ये सीधे डाल्टनगंज रुकेगी। डाल्टनगंज पहुंच चुके हैं, अब ये डाल्टनगंज स्टेशन का व्यू आप देख सकते हैं, पीछे गरीब रथ खड़ी है। गरीब रथ के तीसरे स्टॉपेज गढ़वा रोड जंक्शन पर पहुंचे हुए हैं, इसके बाद ट्रेन डेहरी ऑन सोन पर रुकेगी और फिर उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, उसके बाद प्रयागराज और फिर कानपुर होते हुए न्यू दिल्ली पर जा करके इसका फाइनल स्टॉपेज होगा। तो चलिए दोस्तों, अब रात हो चुकी है और अब चलते हैं सोने के लिए और फिर सुबह मिलते हैं और वीडियो कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को फिर दिखाएंगे आगे की जर्नी। तो चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट। अभी हम लोग कानपुर की ओर बढ़ रहे हैं और कानपुर स्टेशन आने वाला है, जो उससे पहले आप देख सकते हैं कानपुर सिटी का व्यू। एक्चुअली उठने में दोस्तों थोड़ा लेट हो गया जब तक प्रयागराज स्टेशन निकल चुका। चलिए आप लोगों को कानपुर दिखा देता हूँ। काफ़ी तंग गलियों के बीच में से देखिए ये ट्रेन निकलती हुई, घर बिल्कुल ट्रैक से बिल्कुल सट करके बने हुए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल तंग गली है और उसके बीचों बीच से ये रेलवे का ट्रैक, और बस ये पहुंचने वाले हैं हम लोग। एक्चुअली दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज रात के 3 बजे क्रॉस हुआ है, तो मैं सो रहा था और पता नहीं चला, जस्ट ये अब कानपुर पहुंचने वाले हैं। चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं कानपुर का व्यू, उसके बाद आगे दिखाएंगे आप लोगों को। एक्चुअली कानपुर के बाद अब ये सीधी ट्रेन हमारी न्यू दिल्ली में स्टॉप होगी, इसका फाइनल स्टॉपेज न्यू दिल्ली है और वहाँ पे 10:30-11 के आसपास पहुँचने की संभावना है। देख सकते हैं वहाँ से स्टेशन का व्यू, देखिए वो, देखिए स्टेशन की बिल्डिंग आप देख सकते हैं, कानपुर सेंट्रल, बहुत ही फेमस रेलवे स्टेशन है, यहाँ से इंडिया की हर कोने के लिए ट्रेन मिल जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल। एवरी पार्ट ऑफ इंडिया यू कैन टेक ट्रेन फ्रॉम हियर। एक्चुअली प्लेटफॉर्म मेरे राइट साइड है, तो चलिए राइट साइड और दिखाते हैं, प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे हम लोग। मेरा कानपुर सेंट्रल आ चुका है दोस्तों, तो पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल। ये पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही क्राउड है, बहुत भीड़ है स्टेशन में, और एक्चुअली बहुत बड़ा ये कानपुर सेंट्रल स्टेशन है, यहाँ से इंडिया के हर कोने के लिए ट्रेन मिल जाती है, इसलिए हर जगह के लोग यहाँ पे हमें मिलेंगे, साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ हर जगह के लोग यहाँ मिल जाते हैं।
यहाँ से कुछ पानी वगैरह हम लेंगे, बोतल लेंगे, और ब्रेकफास्ट के देखते हैं कुछ अगर होगा तो यहाँ से ले लेंगे स्नैक्स वगैरह। टाइम ट्रेन बिल्कुल टाइम पे है और 6:10 पे हमें यहाँ कानपुर पहुँचा दिया गया है, और सुबह में ये 3 के आसपास इलाहाबाद पहुँची थी, और बिल्कुल टाइमली है ट्रेन हमारी। दोस्तों वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। अब यहाँ से कानपुर के बाद से ट्रेन हमारी सीधे नई दिल्ली जा करके रुकेगी, 11 के आसपास ये नई दिल्ली पहुँचेगी और वहाँ इसका फाइनल स्टॉपेज होगा। चलिए दोस्तों, और यहाँ से कुछ हम ले लेते हैं, उसके बाद वीडियो। ये कानपुर सेंट्रल को हम छोड़ते हुए अब ये गाड़ी न्यू दिल्ली की ओर बढ़ रही है। अब इसका नेक्स्ट स्टॉपेज न्यू दिल्ली है, जो टाइमली 11 पहुंच जाएगी। अपने बात तो है ही है, वो निकाल लो उनको। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं सामने पुष्पक एक्सप्रेस जा रही है मुंबई टू लखनऊ। रेल के सफर की बात ही कुछ और होती है दोस्तों, रियली बहुत मजा आ रहा है। और सुबह सुबह के टाइम पे ये सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा आती हुई बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेदर भी साफ है, खुला मौसम, सुबह सुबह की ताजी हवा। बिल्कुल साफ खुले बादल। और ये गरीब रथ में जर्नी हमारी एक्चुअली बहुत ही अच्छी रही दोस्तों, और ट्रेन बिल्कुल ओवर टाइम है, बिफोर टाइम है, और बहुत अच्छी स्पीड में, जस्ट राजधानी एक्सप्रेस के लेवल में ये चल रही है ट्रेन, और बिल्कुल टाइम वैसे मेंटेन कर रही है अभी तक तो बिल्कुल वैसे ही टाइमली बिल्कुल हम लोग हैं। जर्नी के व्यू का मजा लीजिए आप लोग, देखिए इसकी झलकियाँ। कानपुर से न्यू दिल्ली के बीच में पड़ाव आएंगे हम सब झलकियाँ। यहाँ ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में दोस्तों, और चलेगी और चलते हुए सीधे दिल्ली जाकर के रुकेगी दोस्तों। हाँ दोस्तों जैसा कि मैंने अपने वीडियो के थंबनेल में लिखा था कि गलती हो गई आगे से नहीं दोस्तों, एक्चुअली मैंने उन ट्रेनों के बारे में लिखा था जिसमें मैं पहले सफ़र किया करता था और बिल्कुल बोर हो जाया करता था और टाइम भी मेंटेन नहीं हो पाता था। लेकिन ये जो गरीब रथ एक्सप्रेस जिसमें मैंने सफ़र किया दोस्तों, बहुत ही अच्छी ट्रेन है और बिल्कुल राजधानी के लेवल में टाइम मेंटेन कर रही है और बहुत बढ़िया ट्रेन है। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगर आपको इस रूट में सफ़र करना हो तो ज़रूर गरीब रथ को मैं प्रेफर करूँगा, और बहुत अच्छी ट्रेन है, आगे से मैं भी गरीब रथ में ही जाना पसंद करूँगा। ये दोस्तों ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में, और अभी हम लोग ये दिल्ली एनसीआर के एरिया में पहुंच चुके हैं और दिल्ली एनसीआर में दाखिल हो चुके हैं। बस दिल्ली अब आने वाला ही है न्यू दिल्ली,
ये ग्रेटर नोएडा का इलाका है। अभी हम लोग दनकोर क्रॉस कर रहे हैं। ये छोटे छोटे कच्चे मकान यहाँ बने हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में, बहुत अच्छा फील आ रहा है यहाँ पे। ये वेस्ट यूपी के का इलाका है। चलिए दोस्तों, यहीं पे हमारा सफ़र ख़त्म होता है और हम अब पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली और हमारी गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन के अंदर घुसती हुई आप देख सकते हैं। ये हमारी गाड़ी धीरे धीरे अंदर जा रही है प्लेटफॉर्म पे और ये रहा न्यू दिल्ली। हाय न्यू दिल्ली, यहाँ पे हम लोगों का दोस्तों 7 डे का स्टे है और मेरी बहुत सारी वीडियो यहाँ पर आने वाली है, प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। दोस्तों था मेरा रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस का सफ़र। तो दोस्तों सफ़र मेरा बहुत अच्छा और बहुत यादगार रहा। आई होप आप लोगों को ये जर्नी अच्छी लगी होगी और व्लॉग भी मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम और अपना इसी तरह का सपोर्ट बनाए रखिएगा।